घर में नहीं पेटे में मारो फिर उतार पर चले जाए वही हमको मारा जाए। अरे सुनील को आपने किस तरीके से पाल पोस से बड़ा किया था? अभी ये घटना से पहले कोई बात बताए थे कि तरह की कोई बात हो रही है? नहीं हमसे नहीं बताए, चार दिन का हमें नहीं चले जाए भैया। बीच में आए थे अभी हाल ही में? बीच में पूर्णमासी के दिन गए हैं यहाँ से 15 दिन में, 15 दिन परिवार के साथ है। परिवार रहा है, हम अकेले कब रहा नहीं जैसे शादी में साथ नहीं घर में रहे हैं। दादी अब उस आरोपी को पुलिस ने पकड़ लिया है, ठीक है, और उसको मुठभेड़ भी हुई थी, पैर में गोली भी मारी गई है, कितना संतोष? पैर में नहीं पेटे में मारो फिर वो उतार पर चले जाए। अच्छा, हमारे चार जने मरे हैं तो अकेले है पाए घर का, और नहीं बाप महतारी को मारो, बाप महतारी को न मारो तो उनका जरूर मार डालो। कौन के बाप महतारी तौर पे, खाली महतारी बाप एक बहन है। पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है क्या? नहीं। दादी क्या नाम है? कृष्णावती। कहाँ रहने वाली? उत्तर पारा बेलर। दादी पूनम कौन थी आपकी? पूनम हमारी बेटी है। आपकी बेटी? वो आरोपी भी पकड़ गया है, रात में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है जिसने इस तरह की घटना को अंजाम दिया था, क्या कहेंगी? उसको जान से मार दिया जाए, नहीं वो जिंदा रहेगा तो दूसरा को खतरा, मेरे बेटे भानु प्रताप को खतरा है, वो ढूंढ रहा है फोन द्वारा, नंबर द्वारा उसे ढूंढ रहा है, उसका नंबर पूछ रहा है। कौन पूछ रहा है? चंदन वर्मा। अच्छा, किस लिए ढूंढ रहा है? उनको मार देगा जान से, धमकी दे रखा है मैंने, चार को मारा, पांचवा एक और मारूंगा। किसको? भानु को। भानु कौन है? भानु हमारा छोटा बेटा। अच्छा, तो क्या मांग करती है सरकार? हम सरकार से मांग करते हैं कि उसको जान से मार दिया जाए, तुरंत मारा जाए। जो घटना हुई है और उसमें एक स्टेटस भी चंदन ने लगा रखा था कि पांच को, तो चार चार की मर्डर कर दिया उसने, चार को गोली मार दिया है, तो चौथा नाम मेरा है, इसलिए बोलता फोन धमकी देता था कि मैं पांचों को मार दूंगा, इसलिए वो हमको हमसे ही डरता था कि ये जानता था कि ये यही सबसे इसके पास सबूत सब यही जानता है, पूरी पूरी बात में जानता था, डेली बात होती थी, सब चीज़ में जानता था उसके बारे में। अच्छा, ये कहानी कहाँ से शुरू हुई थी? कहानी ऐसे स्टार्ट हुई कि रायबरेली में दीदी और जीजा रूम लेके रहते थे, इंदिरा नगर में रहते थे, तो वो भी बाजू में रूम लेके रहता था, जीजा में प्लाट लिखवाया था एक नाम, तो उसी के चक्कर में दीदी से वो बहला फुसला लेता था और पिस्टल दिखाता था कि पिस्टल दिखा के रखता था, अपने कनपट्टा जबरदस्ती बात करता था पिस्टल दिखा के कि हमसे बात करो, मोबाइल छिना के जबरदस्ती उसने नंबर सेव किया, उसने बात करना स्टार्ट किया। घटना 19 मई की है, उसने फोटो खींचा और हम साथ जा रही थी, वो मौसी के यहाँ ले जा रहे थे, उसने फोटो खींचा, फोटो वही वायरल फोटो कर रहा है, और उसके बाद फोटो खींचने के बाद वही सबको दिखा रहा, बाकी ऐसी कोई अवैध संबंध जैसी बात सालों से ऐसा कुछ नहीं। मार्च से मेरे पास पूरी डिटेल है कि मार्च से लेके मई के बीच 2 महीने फोन में जबरदस्ती बात करता था, जबरदस्ती बात करता था वो, और पूरी डिटेल हमारे पास रखी। इस बात की शिकायत आपने की थी? इसकी इस चीज़ की बात की शिकायत उससे मैंने बात की कि देखो ये सब चीज़ मत करो, जब उसने नहीं माना, बोला हाँ मान गए, पहले बोलता मैं पाँच में पैर छूता हूँ, मान जाऊँ, अच्छा छोड़ो, सब फटा खत्म हो गया, लेकिन वहाँ जाके फिर वैसी हरकत करता था। जीजा जी हमारे अकेले रास्ते में यहाँ वो सुदामापुर से सुरतनगंज वहाँ जाते थे नौकरी के लिए, रास्ते में कहीं दोस्तों को भेजता था, वहाँ से रूम खाली करवाया हमने, 19 मई की घटना है जो पता चला, जैसे ही मैंने रूम खाली करवाया वहाँ से। कहाँ शिकायत की थी? मैंने पहले से मखदूमपुर गदागंज चौकी में शिकायत किया, और उसके बाद सिरोतनगंज थाना में शिकायत किया, और उसके बाद फिर ये रायबली कोतवाली में किया। रायबली कोतवाली वाले सर बोले कि उन्होंने बोला कि ये यहाँ सिरोतनगंज जाइए, वहाँ पे हम वहाँ नहीं गए, उनके SP ऑफिस में एप्लीकेशन दिया जाके। FIR दर्ज हुई थी सदर? FIR दर्ज नहीं हुई थी, उसके बाद चंदन वर्मा ने अपने दीदी और जीजा बच्चों के दवा कराने गए थे 18 अगस्त को, मेरे पास फ़ोन किया चंदन वर्मा और उसकी माँ, और उसको मारने के लिए तक, तो मेरी दीदी रो रही थी, जब मैं वहाँ पहुँचा, मेरा मौसी का लड़का था और मैं था, वहाँ पहुँचा देखा मेरी दीदी बहन रो रही थी, बच्चे भिलक रहे थे बाजू में, उनको देख के मैं आंसू आ गए। उसके बाद हमें बच्चों को उठा के पूछा क्या हुआ, तो दीदी ने बताया कि चंदन ने मारा है तुम्हें जीजा जी को, तो भानु इनको जेल भेजना है, जहाँ जो हो जाए भले हमारी जान चली जाए,
उसी दिन नहीं तो उसके बाद फिर जाकर इंदिरा नगर चौकी, उसी टाइम इंदिरा नगर चौकी में हमने लापरवाही लापरवाही हाँ इंदिरा नगर चौकी में दिया। हमने उनसे सर से बोला भी कि सर कट्टा रखा हुआ पीछे, पिस्टल ले लिया, पिस्टल है इसके पास, तो पिस्टल और बुलेट की चाबी अपनी मम्मी को दे दी, अंदर जा गया तो बोला हम मिला करके पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं। हाँ कुछ नहीं कार्रवाई, उसके बाद बंद बैठाए हुआ था, बैठाए के बाद उसको कोतवाली भेज दिए, कोतवाली में उसको लॉकर में डाल दिए, उसके बाद बोले कि वहाँ कोतवाली में बोले आप जाओ, तो मेरी दीदी बोली आत्मदाह कर लेंगे जब तक इसको नहीं भेजेंगे, इसके इसमें नहीं जेल में नहीं भेजेंगे जब तक नहीं आत्मदाह कर लेंगे हम। उसके बाद वहाँ पे बैठाए हुए थे 6 बजे से लेके 12 बजे तक का FIR नहीं लिखी गई। उसके बाद जीजा जी हमारे अंदर जाके बोले एसओ साहब से ये ऐसा है कि हमें मत जान चाहिए, जब आप FIR लिखोगे क्या, तो उन्होंने बोला कि ऐसी कैसे बात करते हो। तो फिर उसके बाद वहाँ पे हमने कहा पुलिस में कार्यरत हैं, कहीं कितने साल कहें कौन से सिविल पुलिस में थे या दूसरी पुलिस आते उसमें, तो हमने कहा नहीं सिविल में थे, कितने 1 साल से कार्यरत पहले बताना चाहिए, फिर FIR हुई है लेकिन उसके बाद 41 नोटिस देकर छोड़ दिया गया। मुझे जेल गया होता तो आज ऐसी घटना नहीं देखना पड़ता।